अहेड आगे कैसे ये प्रोजेक्ट मैनेज होगा। तो सर ये प्रोजेक्ट के लिए 7 ईयर्स का O&M कॉन्ट्रैक्ट साइंड है विद द टेक्निकल एजेंसी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, वेबसाइट भी चेंज होगी, क्लाउड में होस्टेड है ताकि इससे हमको सीमलेसली हम लोग बार बार NIC की कई बार हो जाता था कि डाउन हो जाते थे, तो वी हैव गॉन टू मेटीएम पैनल्ड क्लाउड जहाँ पे हमने ये वेबसाइट्स होस्ट करी हैं। फ्लेक्सिबिलिटी दी डिपार्टमेंट्स को, इजीली नॉन टेक्निकल बंदा भी अपनी वेबसाइट को अपडेट कर पाए। और मॉनिटरिंग के लिए सर हमने स्ट्रिंजेंट SLAs लगे रखे हैं। अगर डाउन टाइम होती है, हमारे 99.5% अप टाइम है, डाउन टाइम होती है तो 4% क्वार्टरली पेमेंट की पेनल्टी है सर। हेल्प डेस्क पे अगर 1 घंटे से ज़्यादा लगता है रिस्पॉन्स टाइम में तो ग्रेडेड पेनल्टी है। डेवलपमेंट जो वेबसाइट्स वैसे हमारी समय में हो गई लेकिन अभी 13-14 और बची हैं, तो उसमें भी डिले में 20-20 हज़ार रुपये तक की पर डे की पेनल्टी है सर। सो वी हैव कैप्ड, साइबर अटैक के अंदर अगर कोई वेबसाइट जाती है तो ये O&M एजेंसी पे पेनल्टी लगेगी सर। सो देयरफॉर वी हैव इन दैट सेंस केटर टू स्ट्रिंजेंट SLA टर्म्स एंड कंडीशंस। ये सर एक क्विक ग्लिम्स है सर कि पुरानी वेबसाइट कैसी दिखती थी और नए में क्या लुक एंड फील आया है सर। ये एक हायर एजुकेशन, ये सर PWD की वेबसाइट सर। हम देखेंगे कि एक यूनिफॉर्मिटी सी भी दिखेगी हमको राइट हैंड साइड में जो वेबसाइट है, लेकिन साथ में कस्टमाइजेबल कंटेंट होगा। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट सर, ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, पुरानी जैसे हम देख सकते हैं काफ़ी क्लटर्ड थी, काफ़ी आउटडेटेड सी थी सर। सर ये मैंने जैसे बताया कि अब कंटेंट कौन अपडेट करेगा ताकि ये वेबसाइट आउटडेट ना हो, तो हमने सर इसकी मैसिव ट्रेनिंग करी है सर। ट्रेनिंग में हमने ये सिखाया कि नोडल ऑफिसर्स को, जो हर हर एक ऑर्डर निकला है बकायदा गवर्नमेंट की तरफ से कि हर वेबसाइट के लिए कौन डिपार्टमेंट में नोडल ऑफिसर नॉमिनेटेड है टू अपडेट दी कंटेंट, उसको कंटेंट अपडेट कैसे करना है और ये एनालिटिक्स रन कैसे करने हैं, उसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराई सर। सबसे इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात ये है सर कि कंटेंट जो है वो बैकएंड पे अपडेट हो जाएगा सर। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ईजिएस्ट टेक अवे, मोबाइल को यूज़ करके अपडेट हो जाएगा सर। आज क्योंकि हम लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे थे तो क्विकली जस्ट हमने 4 की प्रोजेक्ट्स पे और आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए IT डिपार्टमेंट के, हमने ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंटेशन करी है सर कास्ट सर्टिफिकेट में, और जो कि अब लॉन्च के लिए रेडी है, अभी उसका लॉन्च बचा है, और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स में एक ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी इंडेक्स हमने बना के लॉन्च किया, जिसमें डिपार्टमेंट्स में एक कॉम्पिटिशन होगा कि कौन ई गवर्नेंस सर्विसेज को सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकता है, उनकी रैंकिंग होगी, इंडेक्सेशन होगी। ये शुरू हो गया ऑलरेडी, एक रैंकिंग इशू भी हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैटर्न पे। ई समीक्षा पोर्टल जिसपे कि हम आज की डेट में सारे कंप्लायंसेज लेते हैं सभी डिपार्टमेंट से, कोई भी छोटे छोटे काम होते हैं सर, डायरेक्शंस आ जाती है तो उसका ट्रैक रखना इस ई समीक्षा पोर्टल पे होता है, भले ही वो यमुना क्लीनिंग की हो या कोई भी डायरेक्शन हो किसी भी प्रकार की। दिल्ली ई मॉनिटरिंग ऐप में सर जितने भी INFC सिविल वर्क्स डिपार्टमेंट्स, भले PWD हो, इरीगेशन फ्लड कंट्रोल हो, वो लोग जितने भी अपने सिविल काम कर रहे हैं उसका टाइम टू टाइम इसमें सर अपडेट होता है, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शंस होती हैं। सो सर दैट इज दी सर एक चीज़ और बोलना चाहिए अभी सर, हम लोगों ने बड़ी मैसिव एक्सरसाइज की सर, 20 साल में आज के बाद IT क्या होगा उसको ध्यान में रख के हमने इसको पूरा रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल बनाया। अब सर हम लोग जो है नया IT का एक नया स्पेशलाइज्ड कैडर भी प्रपोज कर रहे हैं, इसमें डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क एंड प्रोक्योरमेंट, जो भविष्य की आवश्यकताएं हैं, किस डिपार्टमेंट उसकी क्या जरूरत होगी, उसको सर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बड़ा डिटेल प्रपोजल बनाया, दैट इज अंडर वे सर, वो भी अगर हम कर पाएंगे। प्लस आज क्योंकि सर आने वाले समय में सब IT पे ही जाने वाला है एवरीथिंग, तो उसको ध्यान में रख के किस डिपार्टमेंट में क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए ये पूरा मैनेज कर सके, तो सर वो अगर हमारा काम हो जाए तो बहुत ही एडवांस स्टेज में है। तो मेरे ख्याल से कि IT डिपार्टमेंट बहुत सेट डिपार्टमेंट हो जाएगा और आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार हो जाएगा सर। विद दिस सर आई वुड लाइक सर से इनॉग्रेट कराया जाए इसको। कैसे करें सर? क्लिक आप जी सर करना। सर ये सर हमारा जो मेन दिल्ली गवर्नमेंट का पोर्टल है सर, दिस इज द पोर्टल सर, इसके अंदर एक झलक में नोटिफिकेशंस आएंगी सर, नीचे आइए, नीचे स्क्रॉल करिए सर, फिर यहाँ पे हमारे जो सोशल मीडिया फीड है उस नीचे आइए, उससे इंटीग्रेशन है सर, नीचे आइए सर, और सर ये जो भी न्यूज़ डिफरेंट नीचे आइए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की है सर, वो यहाँ पे अपडेट करी जाएगी, ऊपर मेन्यूज़ में आ जाइए,
सर मेन्यू सिस्टम है यूनिफॉर्म, सो हर डिपार्टमेंट में इस तरीके से जो लेटेस्ट मेन्यू सिस्टम है कि आप क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, सो दैट कंटेंट इज इजीली एक्सेसिबल। और सर टॉप राइट में सर्च ऑप्टिमाइजेशन दी है कि जस्ट एक जनरल सर्च करनी है। सर क्विकली आईटी की भी आगे दिखा दीजिए। ये सर कुछ हमने पोर्टल्स खोल के रखे थे जस्ट एक झलक दिखाने के लिए। आगे आईटी की दिखा, ये आईटी की है सर, आईटी की वेबसाइट है। आगे चलिए ट्रांसपोर्ट की दिखा दीजिए। ये सर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है सर। आगे चलिए पीडब्ल्यूडी की दिखा दीजिए। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की वेबसाइट है सर। लोक आयुक्त की ये वेबसाइट है सर। पीजीसी ये पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन, एससीईआरटी सर, ये कुछ झलकियाँ हैं सर कुछ वेबसाइट्स की। टोटल आज हमने 161 अब इसके बाद सर लाइव चलिए। सर आप सर कुछ बोलना चाहेंगे सर? सर आप हेलो 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 नहीं सर, सबसे पहले मैं आई थिंक आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द आईटी डिपार्टमेंट, क्योंकि जैसे बताया सर 2007-08 के बाद अब जाके सर ये वेबसाइट्स रिवैम्प हुई है, तो इट वाज अ बिग चैलेंज बिफोर अस। और आई थिंक सर पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अगर हम देखें तो मोर मतलब काफ़ी बार सर हमने ये देखा कि हमारी जो गवर्नमेंट की साइट्स थी, जब भी सर कोई हम कोई प्रोग्राम लॉन्च करते, जैसे आपको याद होगा सर हमने कोविड के टाइम जो पैरा ट्रांजिट व्हीकल के ड्राइवर्स को हमने सर 5,000 रुपये का घोषणा की, तो जैसे ही सर ट्रैफिक बढ़ता था ये साइट हमारी सर क्रैश हो जाती। अब उसको भी सर हमने बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आई थिंक लोड बैलेंसर सर इसमें जो टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया है, तो अगर ट्रैफिक सर अगर इट विल गो अप टू लेट्स से इवन कपल ऑफ लैक्स पर सेकंड, तो भी सर हमारी जो है साइट ये क्रैश नहीं करेगी। एंड आई थिंक जितनी भी सर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, तो दिल्ली वासियों को सर बहुत बहुत बधाई। दे विल बी एबल टू एक्सेस दिस फ्रॉम द मोबाइल ऑल्सो, क्योंकि पहले जब हम एक्सेस करते थे तो मोबाइल फ्रेंडली नहीं थी सर, तो वो पूरा कंटेंट उस पर आता नहीं था। और जो भी सर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हमने सर अडॉप्ट किया है, एंड आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पास्ट में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम लोड अपना कितना रहा सर? एट एनी पॉइंट हाउ मेनी पीपल? जो एक्चुअली मैक्सिमम टाइम पीरियड यही इंसिडेंट है सर, जब डाउन हो गई थी साइट, तो वी हैड समथिंग इन कपल ऑफ लैक्स पर सेकंड सर, ये कोविड में जब हमने 5,000 रुपये का अनाउंस किया था। 1.5 लाख हिट्स पर सेकंड उस टाइम सर, जैसे ही आप ओपन करते हैं ना सर तो सब उस पे रजिस्टर करने के लिए के तुरंत बाद, एंड दैट टाइम वी हैड अ प्रॉब्लम सर। देन रिसेंटली सर अराउंड 6 मंथ्स अगो अगेन बिकॉज द सर्वर वाज आउटडेटेड, ऑलमोस्ट 100+ वेबसाइट्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट वर डाउन फॉर 12 सर्वर सर। पहले हमारे कुछ सर्वर सर हाउस थे सरोजिनी नगर या वहाँ पे, एक बार तो सर्वर ही क्रैश कर गए सर, एंड वो इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी थी कि उसका कोई वेंडर सर नहीं, कोई मार्केट में नहीं, तो मुझे याद है इनफैक्ट I should not hesitate. So now we are buying new servers. Sir, we have bought cloud. Cloud we have done away with this server. Sir, cloud. कंग्रेचुलेट आईटी डिपार्टमेंट, आज ये हम अपनी नई वेबसाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, 180 वेबसाइट्स 50 डिपार्टमेंट्स की, बट ऑल दीज 180 वेबसाइट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू वन पोर्टल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। तो 2008 में इसके पहले बनाई गई थी ये, और पुराने सर्वर थे, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, मोबाइल और इसके ऊपर वो भी नहीं थी, टैब के ऊपर फ्रेंडली भी नहीं थी, तो अब वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लाउड के ऊपर हम चले गए हैं, सर्वर की रिक्वायरमेंट हटा दी है। जैसा आप लोगों ने बताया कि कोरोना के टाइम में जब हमने कुछ स्कीम्स अनाउंस की थी तो एकदम से इतना ज़्यादा ट्रैफिक आया कि हमारे सर्वर्स क्रैश कर गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वी हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सफिशेंट बैंडविड्थ एंड सफिशेंट स्पेस। तो मैं आपको बधाई देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम इस पर नज़र रखेंगे कि लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता ज़्यादा देख रही है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता को ज़्यादा चाहिए। और अभी आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामकाज में और सरकार में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों की सेवाएं बढ़ाने के लिए,
इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सर, विद योर परमिशन, सभी ऑफिसर्स ने तो बड़ी मेहनत की है सर, 2 CM fellows